दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। एक बड़ी बात कहते हुए उन्होंने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पीटते थे, कई बार मैं डरकर बिस्तर के नीचे छिप जाती थी, इतना पीटते थे कि खून तक निकल आता था। स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान। अपने पिता पर उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पिता यौन शोषण करते थे। काफ़ी भावुक तो हुई क्योंकि जो सारे के सारे अवॉर्डीज हैं वो सारे बहुत पावरफुल स्टोरीज हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी, बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था, मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है जिससे कि वो ये पूरा सिस्टम हिला पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ और हमारे जितने भी अवॉर्डीज हैं उन सबकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। संघर्ष के साथ जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे एक सकारात्मक सोच आगे लेके चलनी है, ये सारे हमारे अवॉर्डीज ने हमको आज प्रेरणा दी है। मैं बहुत छोटी थी, मेरे फादर के साथ जब तक मैं रही, क्लास फोर्थ तक मैं उनके साथ रही, तब तक ये काफी बार होता था।